हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डेनिश सीरीज द चेस्टनट मैन को। जिसकी सबसे पहले कहानी की बात करें तो ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर पर फोकस करती है जो औरतों को मारने के बाद उनकी लाश के बगल में चेस्टनट को रख देता है। जिस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दो डिटेक्टिव को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से एक डिटेक्टिव का नाम नीना है, जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहती है। और इसी सीरियसनेस के चलते उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, खास करके उनकी छोटी बेटी को लेकर, जिसे नीना अपने काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही। ऊपर से वो एक सिंगल मॉम भी है, यानी कि ऐसे में नीना के लिए प्रॉब्लम अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा हो रही है। और ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक काफी खतरनाक सीरियल किलर का केस भी आ गया है, जिसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन में उसे ऐसे शख्स का पार्टनर बनाया गया है जिस कैरेक्टर का नाम मार्क है, जो इस केस में फिलहाल तो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मार्क की खुद की अपनी प्रॉब्लम चल रही है। जिन सबसे डील करते हुए नीना कह लो या फिर मार्क इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, यानी कि वो इस चेस्टनट मैन के किलर को पकड़ भी पाते हैं या नहीं, ये सीरीज हमें वही सारी की सारी डिटेल्स देती है, जिसमें और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इस केस के शुरू होने से एक साल पहले एक पॉलिटिशियन की बेटी का मर्डर भी हुआ था, और अब उस मर्डर का कनेक्शन इस केस या फिर कह लो आने वाले बाकी दूसरे केस के साथ किस तरीके से जुड़ता है, ये सीरीज अपने पूरे एक एक घंटे के 6 एपिसोड्स में यही सारी की सारी चीज हमारे सामने रिवील करती है, जो कि मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एंड भी है। और मुझे नहीं लगता है कि इस सीरीज का आगे कोई सीक्वल बनना चाहिए, जिसकी ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि जिस तरीके का एंड ये सीरीज हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, उससे इसके सीजन 2 के आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो अब उसके चांसेस तो अब इस सीरीज के हाइप पर डिपेंड करती है, जो अगर ज्यादा रहेगी तो उसमें भी एक स्टोरी निकल कर आ जाएगी, जिस पर अगेन मैं कहूंगा कि फिलहाल तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा होगा इस सीरीज को लेकर, वो यही है कि क्या आपको आपका समय इस डेनिश सीरीज को देना भी चाहिए या नहीं, जिसे नेटफ्लिक्स पर इस लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश और हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। और गेस व्हाट, इस सीरीज की इंग्लिश डबिंग मुझे इतनी ज्यादा भी खास नहीं लगी, यानी कि सीरीज का हिंदी डब इंग्लिश डबिंग के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर है। वरना ऑप्शन आपके पास सिर्फ इसी का बसता है कि आप इस सीरीज को इसकी ओरिजिनल ऑफिशियल लैंग्वेज में देखो, जो अगर आपको जमती है खास करके कैरेक्टर की डेपनेस को समझने के लिए तो ही ठीक रहेगा। इसके अलावा ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीरीज में कुछ ऐसे सेक्स सीन्स और न्यूडिटी डाल दी गई है, जिसकी कभी कभी लगता है कि जरूरत थी या फिर लगता है कि नहीं भी। लेकिन फिर पॉइंट वहीं पर निकल कर आता है कि इस सीरीज में हमें कई सारी ब्रूटेलिटी भी दिखाई गई है, जिसके चलते ये सीरीज बड़ों के देखने के लायक ही बनती है। लेकिन फिर भी अगर इस सीरीज में से कुछ न्यूडिटी को हटा दिया जाता तो फिर ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी एक काफी वेल एंटरटेनिंग सीरीज होती। लेकिन अब जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी सोच को तो बदला जा सकता है कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अब बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सीरीज की कहानी से रिलेटेड मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स इस इंट्रो के पहले ही दे दी थी, जिसके इंट्रो के बाद बस मुझे आपको यही बताना है कि क्या आपको आपका समय सीरीज के लिए देना भी है या नहीं। तो उसका जवाब मैं ऑडियंस के हिसाब से बांटूंगा, यानी कि दो ऑडियंस की कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि क्रिटिक्स की राय आप ऑलरेडी इंटरनेट पर सर्च कर चुके होंगे, जिन्होंने इस सीरीज को आपको काफी हाईली रिकमेंड किया होगा। और बाकी यूट्यूब चैनल पर तो आपको और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस सीरीज से रिलेटेड, कि आपको ये सीरीज मस्ट वॉच देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का डीएम मुझे इस सीरीज को लेकर मास्टरपीस का निकल कर आया था कि ये सीरीज मास्टरपीस है। हालांकि रिव्यू काफी लेट है और इस सीरीज को मैंने रिलीज के टाइम पर ही देखा था, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम अपने बाकी दूसरे कामों में बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब सिंपली उस पर बात करें तो ये सीरीज मुझे इम्प्रेस करने में पूरी तरीके से फेल हुई है। जी हाँ, ये बात अब काफी लोगों को बुरी लगेगी, जिसका एक्सक्यूज तो मुझे अब इस वीडियो में देना ही पड़ेगा। और उसे भी मैं सिंपल रखते हुए यही बात आपसे कहूंगा कि ऐसे टॉपिक पर बनी हुई मैंने हॉलीवुड में कई सारी फिल्में देख रखी है, जिस वजह से ये सीरीज मेरे सामने कुछ भी नया प्रेजेंट करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। ऊपर से जिस तरीके से सीरीज को स्टार्ट दिया गया है वो हमें कहानी का हिंट पहले ही दे देता है, यानी कि गलती यहाँ पर एडिटर साहब की भी है, जिन्होंने स्टोरी के मेन प्लॉट को स्टार्ट में रखकर लोगों को, यानी कि प्रो ऑडियंस को, कहानी का पूरा हिंट दे दिया था। जिसके बाद फिर क्या, बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से हमें पता होता है कि अभी सीरीज में किलर अपने आगे किस मूव पर बढ़ेगा, और ये सीरीज उसी प्रिडिक्शन के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। और बीच बीच में जिस तरीके की हरकत सीरीज में किलर या फिर कह लो उसकी तरफ से हिंट दिए जाते हैं, उससे मैं क्या आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से गेस कर लेते हो कि सीरीज में किलर है कौन, और एंड में भी उसी तरीके का ट्विस्ट हमें मिलता है, अगेन थैंक्स टू एडिटर। इट मींस कि ये सीरीज बाकी दूसरी कल्ट क्लासिक सीरियल किलर मूवीज की लिस्ट में बिल्कुल भी शामिल होने के लायक हाल तो नहीं है, अगेन उन्हीं सेम स्टोरी के चलते। तो सीरीज में मेरी तरफ से इतना ही छोटा सा पॉइंट है, जो ऑब्वियसली काफी बड़ा भी है, लेकिन फिर भी ये चीज आपके साथ में शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्टी नाम की भी कोई चीज होती है। अब सीरीज की बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, अगेन ऑनेस्टली, तो सबसे पहली बात तो सीरीज के प्रोडक्शन की वैल्यू की करेगी, जिस वैल्यू के चलते ये सीरीज बहुत ही देखने लायक बन
बनती है। ऊपर से जिस तरीके की लोकेशन पर इस सीरीज को शूट किया गया है उसी के कारण से ये सीरीज अपने फोटो, सिनेमाटोग्राफी, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग और एनवायरमेंट की वजह से काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और जिस तरीके से एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है वो भी काफी ज्यादा बिलीवेबल है, जिनमें स्मार्टनेस के चलते हमें सिर्फ ऊपर ऊपर के ही हिंट दिए गए हैं कि कौन से कैरेक्टर का कनेक्शन किस कैरेक्टर के साथ में कैसा जुड़ा हुआ है, ताकि आप अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाकर खुद ही गैस करने लग जाओ कि इस सीरीज में सीरियल किलर के अलावा बाकी और दूसरे कौन कौन से नेगेटिव कैरेक्टर थे। इसके अलावा सीरीज का बीजीएम भी कमाल का था, जिस वजह से फिल्म के थ्रिल के मोमेंट्स हमें अगेन फील होते हैं। लेकिन एडिटर साहब की बात करें तो 6 एपिसोड्स होने के बावजूद भी उनकी कट इतनी ज्यादा शार्प नहीं है, जिस कारण से सीरीज की लेंथ हमें कहीं ना कहीं फील होती है। और बाकी पेस्टिंग की जो प्रॉब्लम है उस पर तो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, जिस कारण से ये सीरीज मेरे लिए पूरी तरीके से स्पॉइल हो गई। लेकिन अब आ जाए बाकी दूसरी ऑडियंस की कैटेगरी पर, तो ये सीरीज उन ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आएगी जिन्होंने ऐसे सीरियल किलर के जॉनर में बाकी दूसरी मास्टरपीस फिल्में बिल्कुल भी नहीं देखी है, और उनके लिए ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा नया और बहुत ही ज्यादा यूनिक साबित होगा। जिनके नजर में बाकी दूसरी चीजें किस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी उसे मैंने ऑनेस्टली अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने डिस्कस करके रखा है। और अब इसी ऑनेस्टी के साथ सीधे आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो सीरीज में एक्शन हिसाब से काफी ज्यादा रियल रखे गए हैं, जिसके चलते एक्शन की रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बनती है। कॉमेडी के लिए 0, जो इस सीरीज में है नहीं। और ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए मैं सीरीज को 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और उसी रीजन के चलते सस्पेंस के लिए रेटिंग 5 में से सिर्फ 1 स्टार की ही बनेगी मेरी तरफ से। इसके अलावा सीरीज के हॉरर और थ्रिल के लिए ड्रामा की ही तरह 5 में से 3 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सीरीज के थ्रिल के मोमेंट्स अच्छे हैं। इसके बाद बात करें मासस ऑडियंस की, तो इस सीरीज की लेंथ के हिसाब से मासस ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि वो लोग बीच बीच में थोड़ा बोर हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी के चलते उन्हें ये शो पसंद आएगा। यानी कि मासस ऑडियंस की नजर में ये शो A- की रेटिंग डिजर्व करता है। क्रिटिक्स की नजरों में तो A की रेटिंग ऑलरेडी इस शो को मिल ही चुकी है। बाकी बात करें मेरी, तो मैं इस सीरीज को B की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक ठीक ठाक सी टाइम पास सी सीरीज, जिस जॉनर में अगर आप कुछ भी नया बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते तो ही देखिएगा, वरना ये सीरीज अगेन आपको उस लेवल में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दी चेस्टनट मैन नेटफ्लिक्स की सीरीज को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। यानी कि अब बनती है आपकी राय यही बताने की आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।